ख्वाजा गरी नवाज की दरगाह में हुई बसंत पेश, मुल्क के लिए मांगी अमन चैन व खुशहाली की दुआ। राजस्थान के अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मुनेदिन हसन चिश्ती की बारगाह पर बसंतोत्सव मनाया गया। ख्वाजा के दर पर शाही कवाल असरार हुसैन व चौकी के सदस्य गरीब नवाज की मजार पर बसंत का गुलदस्ता पेश कर और सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूती और कौमी एकता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। दरगाह पर इस खास दिन पूरे मुल्क में अमन चैन खुशहाली के लिए दुआ की गई। दरगाह के निजाम गेट से शाही कवाल असरार हुसैन और उनके साथी बसंत का गुलदस्ता लेकर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान की सदारत में जुलूस के रूप में कवाली गाते हुए आस्थाना शरीफ पहुँचे, जहाँ ख्वाजा साहब की मजारे शरीफ पर बसंत का गुलदस्ता पेश किया गया। आज मान सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में खुदामे ख्वाजा की सदारत में बसंत उत्सव बनाया गया और गुलदस्ता फूलों का जो सरसों का होता है वो कवालों की तरफ से चढ़ाया गया। ये 10:30 बजे दरगाह के मुख्य द्वार यानी निदान गेट से शुरू होकर के हाथी नूर में कुछ देर बैठ के महफिल कवाली यानी कुछ कलाम पेश किए गए गरीब नवाज की शान में। और सूफियों की परंपरा रही है, जो देश का हमारे कल्चर रहा है उसको एडप्ट किया है, उसको अपनाया है, उसी परंपराओं के तहत आज ख्वाजा की बारगाह के अंदर हमने बसंत चढ़ाया और सब खुशियों से यहाँ दुआ करते हैं। और हमारे पूरे दुनिया के अंदर हम लोग दुआ करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर दुआ करते हैं। जैसा कि चाइना के अंदर जो बीमारी फैली है, तो हमारी ये भी दुआ है कि यहाँ की बसंत की हवा मार जाए और बीमारी ख़त्म हो और बीमारी हमारे देश से दूर रहे और जो लोग मारे जा रहे हैं वो बचें। और गरीब नवाज की दरगाह से जो एक संदेश पैगाम मोहब्बत का इखलाका जाता है, उसी के साथ साथ ये बसंत की ठंडी हवाएं भी मार जाएँ और पूरे मुल्क में हमारे अमन और शांति रहे। जी बताइए, ये बसंत कब से मनाया जा रही है? ये बसंत तो अमीर खुसरो के टाइम से मनाया जा रहा है और हमारे बुजुर्गों को नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह ने अता की है। और हमारे बुजुर्ग शुरू से पहले 1947 से पहले लाखनकोटी से चढ़ के आती थी, अब निज़ाम गेट से चढ़ रही है और ये शाही परिवार और शाही खानदान की तरफ से चढ़ जाती है। जो असरार हुसैन के नाम से दरगाह शरीफ में शाही चौकी है उनकी तरफ से पेश की जाती है और किसी की तरफ से पेश नहीं की जाती है। ये सरसों के फूल होते हैं, गेंदा होता है, गुलाब के फूल होते हैं, सफ़ेद गेंदी होती है, मतलब सब तरह के फूल होते हैं इसमें। वो उसका एक गुलदस्ता बना के गरीब नवाज से पेश किया जाता है। क्या पैगाम दिया जाता है इसे? ये अमन शांति खुशहाली, हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, खुशहाली रहे। जो बुज़ुर्गों ने करा है वो हम चाहते हैं।